कपिल और सलमान का साथ ब्लॉकबस्टर साबित रहा। जी हां, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दी कपिल शर्मा शो सीजन 2 की शुरुआत हो चुकी है और इस शो के प्रोड्यूसर खुद सलमान खान है। सलमान खान की प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान फिल्म्स इस शो को प्रोड्यूस कर रही है और एक लंबे समय के बाद कपिल शर्मा ने छोटे पर्दे पर वापसी की है। उनकी वापसी को लेकर उनके फैंस के बीच एक्साइटमेंट रहती थी और वो काफी लंबे समय से उनके वापसी का इंतजार भी कर रहे थे और उनकी वापसी जब हो चुकी है तो दर्शकों के बीच एक खुशी का माहौल छा गया है। इसी के साथ ही दी कपिल शर्मा शो सीजन 2 ने एक बड़ा कारनामा भी कर दिया। जी आपको बताना चाहेंगे कि दी कपिल शर्मा शो सीजन 2 की शुरुआत होते ही इसने टीआरपी के मामले में छोटे पर्दे के तमाम बड़े शोज को पीछे कर दिया है। बार की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि दी कपिल शर्मा शो सीजन 2 29 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी के बीच टीआरपी के मामले में अपनी पकड़ मजबूत बनाई हुई है। इस शो ने टीआरपी के मामले में दूसरे स्थान पर अपनी जगह बना ली है। सबसे पहले पे है स्टार प्लस का शो स्टार स्क्रीन अवार्ड 2019 और दूसरे नंबर पे आता है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे आने वाला शो दी कपिल शर्मा शो। तीसरे नंबर की बात करें तो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का शो सुपर डांसर चैप्टर 3 ऑडिशंस का नाम आता है। पर चौथे नंबर पे जी टीवी का कुंडली भाग्य और पांचवें नंबर की बात करें तो कलर्स पे सलमान खान का शो बिग बॉस सीजन 12। तो दोस्तों, इस तरह कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सलमान खान और कपिल शर्मा की इस जोड़ी ने छोटे पर्दे पर वापसी करते ही एक बड़ा धमाका कर दिया है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है और दी कपिल शर्मा शो सीजन 2 आपको कैसा लगता है, साथ ही कपिल की कॉमेडी आपको किस तरह गुदगुदाती है, नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर अपनी राय दें।